अच्छा पहले ये बताइए कक्षा में आते क्यों हो आप? रुक जाओ बेटा, बैठ जाओ। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कक्षा में मन के अनुकूल कोई कार्य न करने दिया जाए तो जो युवाओं के मन में तनाव उत्पन्न होता है उसे कैसे रोका जाए? अच्छा पहले ये बताइए कक्षा में आते क्यों हैं आप? पढ़ने के लिए। बैठ जाइए। तो आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि जब ट्रेंडिंग चल रही होती है ना अभी, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें आपके हिसाब से ऐसे पुचकार पुचकार के बैठाए जाए। बेटा ऐसा नहीं किया जाएगा बेटा, मन को समझाना पड़ता है। वो मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले, आपको तो क्यों को जानना होगा। चीज़ें आपको अनुकूल नहीं मिलती, आपको चीज़ों के अनुकूल ढलना पड़ता है। अगर आप ये सोच लें कि नहीं यार मैं तो सर्दियां चल रही हैं और मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ और मैं तो बनियान में घूमूंगा, तो बहुत सी तो गलती आपकी है ना। तो मन को समझाना होता है, उसको समझाइए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ और कैसे है। चीज़ें क्लास में आपको इसलिए नहीं कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट का कोई नहीं है, यहाँ पर आएंगे आपका मनोरंजन किया जाएगा, खुश किया जाएगा, ये आपके लिए ट्रेनिंग वाली जगह है। और ज़िंदगी के लिए जितने टफ रास्ते मिले ना, जितनी मुश्किलें मिली ना, उसे हर बार उतना ही गर्व से सजदा करो। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता था, उन्हें वनवास हुआ ना, तो उन्होंने पूछा कि कौन से रास्ते से जाऊँ। अपने बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा, बोले एक तो छोटा रास्ता है जिससे बहुत संघर्ष है, राक्षस मिलेंगे, सारी चीज़ें, और बोले एक लंबा सा रास्ता है जिसमें आप आसानी से गुजर जाओगे। तो वो बोले मैं छोटे वाले से जाऊँ। बोले क्यों? बोले मुझे राक्षसों का विनाश करना है, मुझे नेगेटिविटी को मिटाना है। तो आप जो कह रहे हो ना कि मन नहीं लगता, वो करने को पड़ता है, तो आपको अपना क्यों जानना होगा कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है। या तो आपने गलत चीज़ चुन रखी है या गलत जगह बैठे हो, चीज़ें आपके अनुसार नहीं ढलेंगी। आप ट्रेनिंग में हो तो ट्रेनिंग के अंदर आपका एंटरटेनमेंट नहीं किया जाता है, सिखाया जाता है। और ट्रेनिंग जितनी टफ होती है उतने अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना विरोध भी जाके बात हो सके उतनी करनी चाहिए।